गर्भवती महिला की पिटाई, पेट में बच्चे की मौत, पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। यूपी के जनपद महाराजगंज से एक दिल दहला देने वाला घटना प्रकाश में आया है, जहां घर में छिपने ना देने की वजह से गर्भवती महिला की पिटाई कर दिया गया। गर्भवती महिला की पिटाई के दौरान घर में पल रहे मासूम की मौत हो गई। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़िया मुस्तकिल निवासी एक महिला ने आज पुलिस अधीक्षक को गोद में लिए नवजात मासूम के शव को दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाया है। महिला के कथनानुसार गांव के ही लोग आपस में घरेलू विवाद में मारपीट कर रहे थे। महिला जो पेट से गर्भवती थी और घर पर अकेली थी कि पिटाई के भय से भागते हुए एक व्यक्ति आया और उसके घर में छिपने का प्रयास कर रहा था। महिला घर से बाहर जाने की बात कहने लगी कि तभी पिटाई कर रहे लोग महिला को ही गाली बकने लगे। महिला वजह पूछने पहुंची और मामला बिगड़ गया। गर्भवती महिला की अंधाधुंध पिटाई करने लगे, जिससे मौके पर सर फट गया और गस खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। पास पड़ोस के लोग आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले आए, जिसके बाद से दो दिनों बाद महिला के प्रसव पीड़ा हुआ और मृत मासूम का जन्म हुआ, जिसकी मौत की वजह गर्भ में ही उसे गंभीर चोट लगना बताया जा रहा है। महिला और परिजन मासूम के शव को लेकर थाना निचलौल पहुंचे, जहां से संतुष्टि नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाराजगंज पहुंचे और नवजात मासूम के शव को दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम की आपबीती बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सुनवाई करते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश मातहतों को दिया और महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पर बड़ा सवाल है कि एक गर्भवती महिला को नवजात मासूम के शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तब प्राथमिक थानों से कैसे न्याय मिलेगा? नाम बताओ। गयासुद्दीन अपने बाप के मारे गई ना, भाग के लुकैना हमारे घरे, हम अपने घर से उनके खदेड़ दानी, हमके गाड़ी दे लगना था, हम बोलनी कि हम क्या कर रहे हैं, उसी पर हमको चार लोग मारे थे, तीन जीन से दो एक लेडीज, हमको पट्टे से मारे थे, जब बेहोश पड़े गए तो लात लात से मारे थे, पता नहीं कितना मारे थे, हमको कुछ मालूम नहीं था। उसी दिन से हमारा तबीयत खराब हुआ, कल बच्चा पैदा हुआ, बहुत मुसीबत। क्या घटना था? हम काम पर गया हूँ, हमारे पिताजी के मारे गया है और हमारे घर में ही गया तो हमारे औरत घर में उसे बोला है हट जाओ, हमारे घर से हट जाओ, हम फंस जाएंगे, और कहता है तुम हमारे औरत के मारा भैया है आलम गसुद्दीन और आलम के औरत और पुते मार दिया हमारे के की। हमारा नाम मुस्तफ़ा है, ये हमारी लड़की है। हमारे दामाद काम पर गए थे खेत में किसी काम करने, वो गयासुद्दीन अपने बाप को दौड़ाया मारने के लिए, जब वो भाग करके इसके घर में आए तो ये बोली कि हमारे घर में क्यों आ रहे हो, क्यों इन्हें मार रहे हो, उसी पर उनको छोड़ करके इसको मारने लगा। इतना बुरी तरीके से मारा कि सर फट गया दो दो जगह और ये बेहोश हो गई, पेट में लात से मारा, उसी रोज से दर्द शुरू हुआ। इसे लाए हम मेडिकल में, टाका वका चला और डॉक्टरी हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद दर्द दरखास्त हम लोग दिए थाने में। थाने में दरखास्त देने के बाद अब उसमें चार लोगों का नाम है और नकल में तीन ही लोगों का नाम है, दरखास्त में चार लोगों का नाम है, एक का नाम नकल में है ये नहीं है, और वो फिर कह रहा है कि हम एक आदमी को फिर ख़त्म करेंगे। अभी आप लोग एसपी से क्या गुहार लगा रहे हैं? एसपी से हम लोग न्याय के लिए यहाँ आए हैं।